हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मीठा आम का अचार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन गरम करना है। सो उसमें जितना भी पानी होगा आपको पोंछ लेना है, थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका अचार जो है ख़राब हो सकता है। उसमें हम डालेंगे राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सो आपको क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही होगी, 4 to 5 स्पून डालना है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पतीली में आपके कोई भी पानी ना हो, उसको अच्छे से आपको क्लीन करके ड्राई करना है। और उसमें हम डालेंगे मंगरेल, तो ये ब्लैक कलर का मंगरेल आता है जो अचार में यूज़ होता है, तो हमने डाल दिया। और साइड में ही हमने ना जो गुड़ होता है उसको पानी में भिगो के रखा था, तो जैसे ही वो मेल्ट होते जाएगा तो सुबह मॉर्निंग में आप पानी में मिला दीजिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक गुड़ जो है पानी में मेल्ट हो गया है। जैसे ही ये थोड़ा फ्राई होता है मंगरेल ब्लैक, उसमें हमको ये डिजॉल्व गुड़ का पानी डालना है। सो जितना ही आप आम लोगे, जैसे 1.5 किलो हमने आम लिया था तो 1.5 किलो गुड़ भी लिया है। सो यहाँ पे कुछ जो गुड़ है अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम थोड़ा गैस पे रख के गर्म कर लेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए। नौ पानी या उतना ही रखना है जितना आपका आम डूब के उसमें अच्छे से पक जाए, बिकॉज जितना आप पानी रखेंगे उसका आधा हो जाएगा क्वांटिटी पकने के बाद। सबको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है ताकि जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। और ऑल्सो गाइस, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब। सो ये मेन मसाला है हमारे अचार का, जिसकी जो रेसिपी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी। ये स्पेशल मसाला है, तो ये हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा स्पाइसी होगा ये, तो 3 टीस्पून डाला है, बट ये पूरे वीडियो तक ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को हमारे घर में स्पाइसी पसंद है, तो उसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सो इसमें ज़ीरा, धनिया, मिर्ची, सौंफ, ये 4 चीज़ें हैं, मेथी है थोड़ी सी, राई है। सो मैं इसका जो मसाले का जो पाउडर है जिसमें क्या क्या हमने डाला है वो आपको मैं मेंशन करूँगी। सो ये सारे मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा 2 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बिकॉज इसका जो अचार का टेस्ट है वो मोस्टली खट्टा मीठा होना चाहिए। ओके, सो इसमें नमक डाल के देखिए, मैं फिर से मसाला डाल दिया क्योंकि मेरी नानी को लग रहा था कि ये कम तीखा बना है, कम स्पाइसी है। सो इन्होंने और डाल दिया, और जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा वो और डालती जाएंगी, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे साहिर भाई वो घुल भी रहा है जो हार्ड पार्टिकल्स थे गुड़ के, जो मेल्ट नहीं हुआ पूरे दिन में पानी में रख के। सो बहुत लोग डायरेक्टली गुड़ डाल के उसको पका लेते हैं, बट मेरी नानी ऐसा नहीं करती है। पहले आप उसको पानी में रख दीजिए, ऑटोमेटिक उसको पिघलने दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरी नानी को कम स्पाइसी लग रहा है तो मसाला डालती जा रही है। एंड ऑफ द ड्रिंक वो पूरा, वो जो डब्बा है वो पूरा उसमें आपको डालना है। सो जैसे कि 10 रुपये का ज़ीरा, 10 रुपये का धनिया, 10 रुपये की खड़ी मिर्च, 10 रुपये का सौंफ, 10 रुपये की राई, मेथी, ये सब मिक्स करना है। तो इसमें बचा हुआ जो गुड़ था वो भी हमने डाल दिया है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो कंटेंट आपको चाहिए वही मिलेगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा वीडियो में, जो रेसिपी है सिर्फ रेसिपी ही मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली को, मम्मी को, नानी को ये शेयर कीजिए वीडियो। सो ये मेरी नानी की रेसिपी है, नानी की मम्मी भी बनाती थी गांव में, तो ये आपको भी मिलेगा। हमारी वीडियो क्वालिटी या जो स्पेस है वो उतना अच्छा नहीं होगा, बट हाँ अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये मिक्स कर दिया, अब इसको पकाना है। जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तब तक आप, एक उबाल आने के बाद इसमें आपको आम मिक्स करना है। सो ये अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें राई का तेल यूज़ करिएगा। अगर राई का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। सो यहाँ पे हमने 1.5 किलो कच्चा आम लिया था, चेरी। 1.5 किलो आम है तो 1.5 किलो गुड़ लेना है इक्वल क्वांटिटी में, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। सो आप अपनी चॉइस से भी काट सकते हैं। तो ये हमने, और जो आम है उसको धो के अच्छे से सुखा लीजिए, उसमें पानी ना रहे। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे बॉईल आ गया है, तो मैंने उसमें, नानी ने आम डाल दिया है, एक बॉईल आने के बाद, उबाल आने के बाद डाल देना। और जब आप आम डालेंगे तो आम डालने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तो आपके जाने वाले हैं इसको पकने में, बिकॉज जैसे मैंने बताया जितना आपने पानी डाला उसका 50% ये कम हो जाएगा पानी, और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। सो कम से कम 2 घंटे तो दीजिएगा इसको पकने के लिए। ये सारे हम मिक्स कर रहे हैं इसमें।
आप ये चेक कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है मंगरेल है, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी सिटी में इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मंगरेल जो हर अचार में डालते हैं। अगर वो नहीं डाला है तो कोई भी अचार अधूरा है, उसके बिना आपका अचार बनेगा ही नहीं। तो ये सारा आम हमने डाल दिया है। ऑल्सो गाइज प्लीज़ प्लीज़ अगर आप यहाँ तक भी देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आएंगी नानी के साइड से। तो ये हमने मिक्स कर दिया और मीडियम फ्लेम में इसको रखना है। तो ये हो रहा है, इसका क्वांटिटी आप देखिए कैसा है, एकदम पतला पानी जैसा है। अब इसको एकदम उबाल आने तक पकाना है, और इसको थोड़ा ढक के रखिए क्योंकि बॉइल जाते हैं, चिट्टे उड़ सकते हैं, गुड़ है इसमें। अगर इसका गर्म पानी आपको लगा तो बहुत लग सकता है। तो ये ऐसा अभी हो गया है, उबाल आ रहा है, इसको चलाते रहेंगे बीच में, क्योंकि उबाल ज़्यादा आ गया तो पतीली से बाहर भी निकल सकता है पानी। तो ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, इसको चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, थिक कंसिस्टिंग होगी इसकी। तो हमने इसको 1 घंटे तक ऐसे आधा ढक के बनने दिया था। तो अभी इसकी ऐसी आधी 50% आप देख सकते हो कम हो गया। इसको आधा 1 घंटे तक हमने चढ़ाया था मीडियम फ्लेम पे, अभी भी ये थोड़ा कच्चा ही है। और इसको हमने 45 पौना घंटा और चढ़ाना है, तब जाके ये होगा। तो ये हमने 2 घंटे के बाद निकाला है। सो इसका है, अभी भी थोड़ा पतला है, बट हमारे घर में थोड़ा रोटी के साथ कभी खा लेते हैं, कभी खिचड़ी के साथ, तो इतना रखेंगे। बिकॉज़ अगर ये आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है। तो ये रेडी हो गया है, इसको आप इसका अभी जैसे हमने जब ये निकाला तो उसको थोड़ी देर रख दिया था, तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि गुड़ है। तो इसका देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।